कक्षा 4 हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधनों के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन के दो भाग होते हैं। पहला होता है प्रार्थना पत्र, जिसे औपचारिक पत्र कहा जाता है, और दूसरा होता है परिवार को लिखे पत्र, अनौपचारिक पत्र। यानी दो भाग हुए, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के अंतर्गत ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र, ये पत्र परिवार के सदस्यों, मित्रों, प्रियजनों तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और स्पष्ट हो कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण हो। ये आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र दो अनुच्छेदों में लिखा जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि वाक्य छोटे हो और वो छोटे वाक्य जो हो वो अर्थपूर्ण हो। पत्र तीसरा है, पत्र में लिखावट साफ और सुंदर हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। कहाँ अर्ध विराम लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, इस बात का ध्यान आपको देना होगा। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन हो, ये सबसे मुख्य है कि आप जिसे पत्र लिख रहे हैं वो पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक है। उसके अनुसार उस जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन सही होना अनिवार्य है। दूसरी मुख्य बात है लिफाफे पे लिखी जाने वाली बातें। जिसे पत्र लिखा जा रहा है लिफाफे पर उसका पता तथा पिन कोड अवश्य लिखे, निर्धारित डाक टिकट लगाए, और अंतिम लिफाफे की दूसरी तरफ भेजने वाले का नाम, पूरा पता तथा पिन कोड अवश्य लिखे। यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले लिफाफे के सामने जो है हम उसका पता और पिन कोड लिख रहे हैं जिसे हम भेज रहे हैं। जैसे श्री अशोक शर्मा आर्य, आवास विकास कॉलोनी रुड़के, उत्तरांचल, और उसके बाद यहाँ पिन कोड लिखा गया है। तो लिफाफे के सामने की ओर जिन्हें हम पत्र भेज रहे हैं, और लिफाफे के दूसरी तरफ जो पत्र भेज रहा है, द्वारा का अर्थ है जिसके द्वारा भेजा जा रहा है। उदाहरण दिया गया है यहाँ, विनायक गौतम 99 गौतम कुटी, नया बाजार, शामली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे उसका पिन कोड दिया गया हुआ है। तो ये लिफाफे में लिखी हुई जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। अब पत्र लेखन औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जैसा कि आपने पढ़ा था। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र, पहला होता है प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादक पत्र, आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, शासकीय या सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र हैं बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र। ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना पत्र। तो सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र क्या होता है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र, जिन पत्रों में निवेदन अथवा
प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ध्यान रखिए, जिन पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों या स्कूल और कॉलेज के प्रधान अध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहला इसका प्रारूप जानना हमारे लिए आवश्यक है। औपचारिक पत्र का प्रारूप, प्रारूप जिसे इंग्लिश में फॉर्मेट कहा जाता है, तो सबसे पहले पत्र लिखते समय आपको प्रारंभ कहाँ से करना है। तो पहला पॉइंट है आपका, हम पत्र का प्रारंभ करते हैं सेवा में लिखकर। सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम, जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उनका पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। दूसरा, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उससे केवल एक ही वाक्य में शब्द या संकेतों में लिखे, जिसे कहते हैं विषय। किस विषय में लिखा जाता है? विषय हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, केवल एक ही वाक्य में हम संकेत करते हुए लिखते हैं कि हमने किस लिए पत्र लिखा है, वो विषय के अंतर्गत आता है। तीसरा है संबोधन, विषय के बाद संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय या महोदया, मानवीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। संबोधन के पश्चात आता है विषय वस्तु, इसे दो अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। विषय वस्तु दो अनुच्छेदों यानी दो पैराग्राफ में लिखा जाता है, और पैराग्राफ ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, दोनों पैराग्राफ तीन तीन लाइन के हो सकते हैं। पहला अनुच्छेद होना चाहिए सविनय निवेदन, यह है कि इस वाक्य से प्रारंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखे। दूसरा अनुच्छेद, आपसे निवेदन है कि लिखकर उनसे क्या उम्मीद या अपेक्षा की जा रही है उसका वर्णन किया जाए। तो ये हो गया विषय। विषय लिखने के बाद पांचवा आता है हस्ताक्षर, जिसे धन्यवाद जैसे शब्द का प्रयोग और अंत में भवदी भवदिया प्रार्थी तथा हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। आपका छठा पॉइंट आता है प्रेषक का पता। प्रेषक जो पत्र भेज रहा है, शहर का मोहल्ला या इलाका, शहर पिन कोड आदि इसमें लिखना होता है, और अंतिम होता है दिनांक, जिस दिनांक में आप पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक को वहां पर लिखना आवश्यक होता है। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट हम आपके लिए लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण मैं आपके लिए लिख दे रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप है, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट है किस प्रकार से होना चाहिए? सेवा में प्रधानाचार्य, सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे, फिर जिन्हें आप पत्र लिख रहे हैं उनका उनका नाम प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम व पता लिखना है आपको, उसके बाद विषय आता है पत्र लिखने के कारण, आप विषय क्या है पत्र लिखने का, किस कारण आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसे लिखा जाता है। उसके बाद होता है संबोधन, कहा गया था जिसमें महोदय या श्रीमान जी लगाया जाता है, पहला अनुच्छेद लिखा जाता है उसके बाद, और उसके बाद दूसरा अनुच्छेद जिसमें आप किस का वजह से आप अवकाश लेना चाहते हैं उसका विवरण किया जाता है, और उसके बाद होता है आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या लिखा जाता है, और उसके नीचे आपका नाम, कक्षा और अंत में दिनांक किया जाता है। ये हुआ औपचारिक पत्र का प्रारूप।
तो इसी प्रारूप के अनुसार आपको औपचारिक पत्र लिखना होता है। आपके विषय आपको दिया गया है, पत्र लिखने का विषय आपको दिया गया है, बीमारी के कारण प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डी पॉल स्कूल, ब्रह्मपुर। विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि आज मुझे तेज बुखार है, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आ सकता। कृपा करके 2 दिनों का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। आप लिखेंगे उसके बाद आपका शिष्य या आपकी शिष्या, नाम, रोल नंबर, कक्षा चतुर्थ, सेक्शन और दिनांक। बच्चों, आशा करती हूँ आपको पत्र क्या है, पत्र के प्रकार क्या है और औपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट, प्रारूप आपको जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।